देखिए, फिर तो आप तू जा ये भुआ पिल्लू सब है। हाय, गुड मॉर्निंग गाइज, आप सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और ये देखिए, मेरे घर में कीड़ा हो गया है और ये सिंदूर पत्ता है, इसको घर में लगाना है। घर में पूरा पिल्लू हो गया है, भुआ पिल्लू, उसमें ये सिंदूर पत्ता काम करता है। देखिए, इसको पूरा लगाना है, पूरे घर में पिल्लू हो गया है। देखिए, और देखिए मेरा गाय और उसका बच्चा, जो हम लोग गाय माता कहते हैं। देखिए देखिए, मेरे पीछे शरीफा का पेड़ है, इसमें एक दो ठो फला हुआ है, दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए, एक दो ठो फला हुआ है, पूरा ठीक से बड़ा हुआ नहीं है, ये एक आध सप्ताह में पकने लगेगा। देख सकते हैं, ये शरीफा है। और देखिए, सिद्धार्थ उस पर चढ़ने का कोशिश कर रहा है। देखिए, और मेरे पीछे जो इमली का पेड़ है, यहाँ पे बगुला सब रहता है। देखिए, बगुला सब रात में यहीं पे रहता है। और देखिए, सिंदूर का पत्ता लगा दिए हैं, पिलुआ हो गया है और घर में कीड़ा हो गया है, भुआ पिल्लू बोलते हैं इसको। और ये सिंदूर पत्ता लगाने से वो लोग मर जाता है। देखिए, पूरा घर में सिंदूर पत्ता लगा दिए हैं, देख सकते हैं आप। ये बरसात का सीजन में ये कीड़ा सब होता है। देखिए, दिखाते हैं आपको भुआ पिल्लू। देखिए, ये पिल्लू सब पूरा घर में हो जाता है। देखिए, दिखा रहे हैं, बरसात सीजन में ही, बरसात सीजन में ही ये पिल्लू सब हो जाता है पूरा घर में। पहले तो जंगल में होता था, लेकिन अब घर में होने लगा है। इसी के चलते हम सिंदूर का पत्ता दिए हैं, इससे वो कीड़ा सब मर जाता है और उसके सेंट से भाग भी जाता है। और देखिए, सिंदूर पत्ता इसमें लगाए थे तो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कीड़ा सब मर गया है, मर करके सूख सूख गया है। देखिए, सिंदूर पत्ता लगाए थे तो ये कीड़ा सब मर गया। देखिए, आपको दिखा रहे हैं। देखिए, देखिए, एक दो जिंदा है और ये शरीर में गिरने से बहुत खुजली होता है। देखिए, आपको दिखा रहे हैं, ये हम लोग गांव के भाषा में भुआ पिल्लू कहते हैं इन लोग को। देखिए, बहुत जहरीला होता है। दिखा रहे हैं आप लोग को, और इन लोग का कोई दवा नहीं है, बस सिंदूर का पत्ता ही इन लोग का दवा है। जहाँ पे ये पिल्लू होता है, वहाँ पे सिंदूर पत्ता दे दीजिए तो ये ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे बारे में भिंडी लगा हुआ है। देखिए,
और ये मेरा बारी है, देख सकते हैं। और इस पर एक अमरूद का पेड़ है, देखिए बच्चा सब अमरूद तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं। देखिए अमरूद पका हुआ है, देखिए आपको दिखाते हैं। ना गिर जावे तो ना, देखिए इसमें अमरूद फला हुआ है। और देखिए मेरे बारी में भिंडी लगा हुआ है, और ये कुछ कुछ सब्जी लगा हुआ है। देखिए आपको दिखा रहे हैं, इस पर झांक भी लगा हुआ है। और इधर देखिए टोटी लगा हुआ है पूरा। और आज घर में मुनगा साग और दाल का सब्जी बनेगा, देखिए। और ये रहा, मुनगा साग तोड़ लिए हैं, अब इसी का सब्जी बनेगा। देखिए मुनगा का पेड़ छोटा सा है, और ये साग है मुनगा साग, इसको दाल में मिला करके बनाएंगे आज सब्जी। और देखिए मुनगा साग का सब्जी बनेगा, देखिए मेरा वाइफ मुनगा साग बना रही है, और उसके पीछे सिद्धार्थ बैठा हुआ है, उसको बिस्कुट चाहिए पर नहीं मिला है, उसी के लिए गुस्सा गया है। देखिए देखिए आज सब्जी में मुनगा साग बनेगा। और मेरे पीछे देखिए उधर चूल्हा में दाल चढ़ा हुआ है, जो हम लोग लकड़ी के चूल्हा में खाना पकाते हैं, देख सकते हैं। और देखिए हम लोग खाना निकाल लिए हैं, और ये सिद्धार्थ पहले मधु खाएगा, खाली पेट में मधु खाना रहता है। देखिए ये उसका माँ आ रही है पानी लेकर के। हम लोग हमेशा गर्म पानी पीते हैं। खाना खाने जा रहे हैं, खाना बन गया है। देखिए हम लोग खाना भी निकाल लिए हैं, सिद्धार्थ भी खा रहा है। देखिए हम लोग खाना निकाल लिए, और हम लोग बरसात में हमेशा गर्म पानी पीते हैं। और ये शहद है, ये खाली पेट खाना रहता है, और हम लोग खा लिए हैं। हाय भी बैठ गया है, हाय बोल रहा है, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। हम लोग अब खाना खा रहे हैं, बता दे रहे हैं। भौवा पिल्लू का उपचार कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं।